स्टार्ट। नमस्कार, स्पेक्मे के अनुभव सीरीज की इस कड़ी में मैं विवेक सिन्हा अपने साथी प्रियांश उपाध्याय के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम अनुभव सीरीज में गुरुबानी के ऊपर में चर्चा करेंगे एवं संगीत भी सुनेंगे, बट उसके पहले हमारे पास 3 वीडियो मैसेजेस हैं। उन मैसेजेस को मैं स्टूडियो से रिक्वेस्ट करूंगा कि उन मैसेजेस को वो सुनाएं। पहला मैसेज डॉक्टर हेमलता मोहन जी का है, जो प्रेसिडेंट एंड डायरेक्टर दिल्ली पब्लिक स्कूल है। प्लीज वो ऑडियो सुनाइए। हम सभी भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए कृतसंकल्प हैं। आज स्पेक्मे की इस वार्षिक के वार्षिक कार्यक्रम अनुभव में सम्मिलित होकर मैं बहुत हर्षित एवं आभारी हूँ। स्पेक्मे भारतीय संस्कृति एवं कलाओं के प्रचार प्रसार, विद्यार्थियों के बीच प्रचार प्रसार के लिए समर्पित एक संस्था है, जो विगत 40 वर्षों से भी ज़्यादा इस कार्य को कर रहे हैं, इस और अपना सारा जीवन उसको समर्पित किया, श्री किरण सेठ जी को। भारतीय संस्कृति एवं कलाएं मानवता का विकास करती हैं, व्यक्तित्व को समग्र बनाती हैं एवं जीवन दृष्टिकोण को व्यापक। जो विद्यार्थी इससे जुड़े हैं उन्हें इसका अनुभव है, और जो इस अनुभव के साथ जुड़ने वाले हैं निश्चित रूप से इस श्रृंखला के समापन पे वे स्वयं को ज़्यादा आत्मविश्वास से भरपूर और सकारात्मक पाएंगे। लेकिन इसके लिए निश्चित रूप से न केवल प्रयास करना होगा, मेहनत करनी होगी, बल्कि ध्यान से वो सारी चीज़ें करनी होंगी जिसके लिए आप सबको बताया गया है, चाहे वो सुबह उठना, फिर योग करना, भोजन करना, उसमें क्रियाकलापों में भागीदारी करना, संभाषण सुनना और अन्य सब कुछ जो बताया जा रहा है। इस संक्रमण काल में हमारी ही संस्कृति और हमारी कलाएं ही हैं जो जिनको सीख कर, जिनसे, जिनको समझ कर, जिनसे, जिनके अनुभव से आप सभी अपने आप को बहुत ऊर्जावान पाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। मैं आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ, और स्पेक्मे को भी, जो इस महान यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। और हम सभी अपने कला एवं संस्कृति के लिए संकल्पित हूँ, मैं ऐसी कामना करती हूँ। सर्वत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भवेत्। नमस्कार। हमारे दूसरे जो गेस्ट हैं वो डॉक्टर प्रियदर्शी नायक हैं, जो प्रिंसिपल DPS हाथरस हैं। हम उनका भी मैसेज सुनेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज
हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर प्रियदर्शी नायक, प्रिंसिपल डून पब्लिक स्कूल हाथरस एंड चेयरपर्सन एंड सीईओ ऑफ ए प्रिंसिपल्स फोरम विच इज़ कॉल्ड एज सीईडी फाउंडेशन एज वेल एज द फाउंडर ऑफ ग्लोबल टॉक एजुकेशन विच इज़ एन इंटरनेशनल फोरम विच स्पेसिफिकली वर्क इन द विजन टू क्रिएट सोसाइटी फॉर हैप्पी पीपल. सो आई थिंक it's a magnificent time to connect with Speak Mackay. I know very specifically this particular forum doing wonders connecting culture in education, or you can say the education is interconnected now with culture, and I have been associated with this particular initiative through Madam Suman Dunga, who is the director media Speak Mackay, and I'm extremely thankful to the initiative which is being taken up by this particular forum. And the entire school principals are very much excited. They were, they believe that culture in education is a part and parcel for a human life development. And the specific creative which has been planned by Speak Mackay in the form of Anubhav. And I think everyone is doing something the other on online. And Anubhav, a series of experience which is getting planned now for a week-long planned event for the young generation children. It is very, very well appreciated. The entire team of CED Foundation and Global Talk Education are given a huge number of participants to participate in this, because we school principals believe that a calm mind, a social mind will bring up good result in a child. So connecting culture and heritage to our country, specifically when I talk about it, is a very fantastic initiative. And Madam Neha Sharma, the principal from DPS Gwalior, is also associated with this. And there are many people, those who know about it, what Speak Mackay is doing to keep up the culture and heritage of the country. And I specifically believe that this particular initiative, it should not happen in a year in online, but it should gradually to be connected in the life of children. It comprises lot of, I have seen, because my school children are taking part in this and my teachers are there in this. So every day's feedback which I am getting, it is tremendous. Means sitting at home, adopting the ashram facilities or adopting the living structure of an ashram, that is something very magnificent, starting from morning 3:30 to 9 at the night 9:30, connecting with each and everything. I think it's a marvelous job done by Speak Mackay, and through this effort I believe that the students, those who are involved in this, I heard around 55,000 children are involved in this. I think it's a great initiative to bring up human values into it. So as I told you, that such type of structure in the mind of children, that they will have a mindfulness of work in the days to come. So my heartiest congratulations to the entire team who is working for this wonderful initiative during this lockdown period. I know during this lockdown period, this is the fantastic thing, sitting at home and doing all sort of online activities, starting from Shramdan and having all sort of musical concerts. People all over the world are connected together. I think what best platform can be beside this? So it is my humble gratitude to all the people, those who are associated with Speak Mackay, and I promise that this particular venture will be spread in my entire schools, because we are connected with almost 700 schools and 4,500 plus school leaders are associated in it. Even though I thought of that, this should be explored, this should be told to each and every school to have a cultural integration of education into their curriculum, into their system. And I believe the initiative will help each and every student to become or grow up in a very specific and a particular individual by which they can be called as a great human in the days to come. So creating human is more important, and connecting with classical cinemas
virtual heritage and these things, I think these are wonderful initiative which has really touched to my heart. And I, on behalf of my entire team, give all support to the SpeakMacA people and specifically Director Media SpeakMacA, Madam Suman Dunga, who is very closely associated with us. And I feel this initiative to go ahead. I bless each of the people, those are associated in it, to showcase such type of good things in the days to come. And my support will be always there on behalf of my forum. Thank you very much, and God bless you all. Stay all of you in a very safer side, and have a wonderful this particular venture which has been planned out by SpeakMacA. Thank you very much. आज की हमारी तीसरी गेस्ट मिस मालिनी नारायण है. हम उनका भी मैसेज सुनेंगे अभी. Welcome to Anubhav, the first ever online experiential program of integrating the performing and the visual arts. SpeakMacA has created a once-in-a-lifetime opportunity for our young adults to experience the much-acclaimed Guru Shishya Parampara in the 21st century virtually. Dr. Kiran Seth, who's pioneered the movement of SpeakMacA, has once again broken the glass ceiling. This online exclusive internship is all embracing and inclusive in nature. It is available for every child in the country. It is an answer to every question on access and equity. This program has opened the doors for our children to embed and soak in the rich cultural heritage of our country under the tutelage of our revered gurus and maestros. Let the rigor and the regimen of this program acquaint our children with the sadhana and the tapasya. Wish this program grand success. And I wish SpeakMacA many more such wonderful new ventures in the years to come. Thank you and Namaskar. हमारे तीनों गेस्ट्स का मैसेज अभी हम लोगों ने सुना, उनका बहुत बहुत धन्यवाद. चलिए आज की प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं. संगीत और आध्यात्म जब एकाकार हो जाते हैं तो उससे उत्पन्न ऊर्जा सभी को आनंदित और आह्लादित कर देती है. इसी को साकार करने वाले गुरमत संगीताचार्य डॉक्टर अलंकार सिंह जी आज हमारे मध्य उपस्थित हैं. डॉक्टर अलंकार सिंह जी, हम आपका SpeakMacA के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तहे दिल से अभिनंदन करते हैं. आपके साथ तबले पर श्री नरिंदर पाल सिंह जी संगत कर रहे हैं.
आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर जी। नमस्कार डॉक्टर अलंकार सिंह, यू तो बहुआमी व्यक्तित्व के धनी है, उनका एक संक्षिप्त परिचय मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। डॉक्टर अलंकार सिंह इज एन एक्सपोनेंट ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल म्यूजिक एंड गुरमत संगीत। ही पजेसेस एन एरे ऑफ एग्जेम्पलरी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस व्हिच इंक्लूड एमए इन वोकल म्यूजिक, ऑनर्स इन साइकोलॉजी, एमएससी इन कंप्यूटर साइंस एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एंड अबव ऑल he possesses a PhD too. Dr. Alankar Singh is the first and the only recipient of Sangeet Natak Academy's prestigious Ustad Bismillah Khan Yuva Puraskar for Gurbani Kirtan, a very significant achievement. He is presently in charge Gurmat Sangeet Chair and Assistant Professor in the Department of Music, Punjabi University, Patiala. His training in classical vocal music and Gurmat Sangeet started at the age of 4 under Guru Shishya Parampara and continued for about 11 years from Gurmat Sangeet Acharya, late Professor Tara Singh, a renowned musicologist and composer who belonged to Harguna Taksal of Gurmat Sangeet and Gwalior Gharana of Khayal Gaiki. After learning from Dr. Mrs. Madhurima Kishore for about 3 years, he went under tutelage of well-known guru and Vagyakar late Pandit Ganesh Prasad Sharma of Ambala Can and learned from him for about 25 years. Since his childhood, Dr. Alankar Singh bagged first positions in whichever competition he participated. He was selected under the Cultural Talent Search Scholarship Scheme by the Center for Cultural Research and Training, Government of India, in the field of classical vocal music, and got national scholarship from 1985 to 1993. As a college student, he got first position in the prestigious competition of classical vocal music at 118th Harivallabh Sangeet Sammelan Jalandhar. As a university student, he was declared the best classical vocalist in National Youth Festival held at University of Mumbai. He was declared twice the best classical vocalist of Punjab State from 1995 to 1997. He was also declared the best classical vocalist of Punjabi University, Patiala, for 5 years consecutively from 1992 to 1997. Besides being an expert in notation, music composer, and music arranger, Dr. Alankar Singh is an approved artist of All India Radio and Doordarshan for classical music and Shabad Gayan. He is an empaneled artist of Spikmeke for Raag-based Gurmat Sangeet. He performs extensively in the major festivals of music in India. His musical and academic international trips to the UK, Australia, New Zealand, Malaysia, Singapore, and UAE have earned him a lot of respect and fame. He has to his credit 13 audio CDs, 1 audio cassette, 5 books, and 15 research papers. Dr. Alankar Singh has given more than 1,500 public performances of Gurmat Sangeet and classical music, notably at 5 Takats of Khalsa Panth, Golden Temple, Amritsar, Partal Gayan Darbar, and Raag Darbar, organized by Shiromani Gurudwara Prabandhak Committee. Performances arranged by Sangeet Natak Academy Delhi are worth mentioning. He presented Gurmat Sangeet in 61-day Thuriyam Music Festival in Payyanur, Kerala in July 2018. He has performed widely under Spikmeke in the country. He has done many video recordings of Shabads in the prescribed ragas of Sri Guru Granth Sahib and is regular on most of the Doordarshan and other TV channels. His major performances of classical music include 3 performances at Harivallabh Sangeet Sammelan Jalandhar, Tansen Samaroh Gwalior, Sangeet Pratibha organized by Sangeet Natak Academy, Viram the Gurukul of Pandit Rajan Sajan Mishra at Dehradun, Malhar Utsav by Prachin Kala Kendra Chandigarh, Sur Bahar by Indian School of Performing Arts Perth, Australia, Anhad by Rhythm School of Indian Music Auckland, New Zealand, Pandit Vishnu Digambar Sangeet Sammelan Faridkot, Professor Tara Singh Patiala Sangeet Sammelan, and Rababi Bhai Mardana
शास्त्रीय संगीत सम्मेलन एट पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, सप्तक स्कूल ऑफ म्यूजिक अहमदाबाद एंड मेनी अदर्स. ही हैज बीन प्रेजेंटेड विद द नेशनल अवार्ड उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन टू गुरबानी कीर्तन प्रेजेंटेड बाई नेशनल संगीत नाटक अकेडमी इन 2010. गुरमत संगीत अवार्ड प्रेजेंटेड बाई जवादी टक्साल लुधियाना इन 2013. अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन म्यूजिक प्रेजेंटेड बाई रोटेरी क्लब ऑफ दिल्ली इन 2009. संगीत मनीषी बाई डॉक्टर संगीत मनीषी डॉक्टर जयचंद्र शर्मा अवार्ड प्रेजेंटेड बाई श्री संगीत भारती बीकानेर राजस्थान इन अक्टूबर 2006 एंड हैज रिसीव्ड मेनी ऑनर्स टू. क्वेस्ट फ्रॉम बूंदी राजस्थान. स्पेक में के अनुभव अभिनंदन करता हूँ गुरुजी. तो गुरुदेव, अब मैं ज्यादा समय न ले, हमारा सौभाग्य है कि हम स्पीक मैके के माध्यम से अपनी युवा पीढ़ी के साथ जुड़ पा रहे हैं. प्लीज पूछिए. जी जी, तो प्रश्नों के क्रम में हमारा पहला प्रश्न रहे हैं, इनमें किन किन महत्पुरुषों की महान पुरुषों की वाणी सम्मिलित है, कृपया विवेचना करें सर. जी प्रियांश जी, कह लेते हैं ऑफ द गुरुज. तो गुरु गुरु, वैसे तो हमारा भारत देश गुरु शिष्य परंपरा तो सदियों से चल रही है हमारे यहाँ, लेकिन जो सिख पंथ या एक सिख वे ऑफ लाइफ की जो शुरुआत हुई है वो तो श्री गुरु नानक देव जी को पहले गुरु माना जाता है, जिनका 1469 में 1469 में उनका प्रकाश हुआ और उन्होंने उस समय जो समाज में जो भी चल रहा था सब उसका खंडन करते हुए, जो बुराइयां थी, जो धर्म के नाम पर आपस में लड़ाई झगड़ा था, सो उन्होंने गुरुवाणी की रचना शुरू की. सो इस तरह से गुरु नानक देव जी से यह जो सफर शुरू हुआ, उनकी वाणी दूसरे गुरु, तीसरे गुरु, चौथे गुरु साहिबान ऐसे लड़ी चल रही है और दसवें गुरु तक श्री गुरु गोबिंद सिंह जी. इन गुरु साहिबान के अलावा गुरु ग्रंथ साहब जी में बहुत सारे संत जो भगत हुए हैं मध्यकाल के, उससे पहले 15 भगत और 11 भट्ट, इनकी भी वाणी है. भट्ट कवि जो के पुश्तैनी जो काव्य रचना करते थे, उन्होंने भी वाणी जो अंकित की है. इस सारी वाणी को पांचवें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी ने एक बुक, होली बुक ग्रंथ के रूप में उसका संकलन किया, उसको एडिट किया और उसको नाम दिया ग्रंथ साहिब. हम उसको आद बीड भी कहते हैं, जो फर्स्ट जो बीड थी. एंड दैट बुक, होली बुक, उसको फिर 1604 में गोल्डन टेंपल अमृतसर, जो स्वर्ण मंदिर है जिसको हम हरिमंदर साहिब अमृतसर कहते हैं, वहां पर उसका प्रकाश किया गया. और जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये सारी वाणी जो है वो रागों के अंतर्गत है, उसमें मेरा ख्याल आगे पूछेंगे भी इसके बारे में. सो ये गुरु साहिबान पांच पहले गुरु और नौवें गुरु, छह गुरु, 15 भगत, 11 भट्ट कवि और उसके अलावा 4 गुरु सिख हैं जिनके वाणी का संकलन किया गया है गुरु ग्रंथ साहब जी में. और इस सब का गायन जो हम करते हैं उसको कहते हैं गुरमत संगीत. जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने समझाया हम सभी को. तो अक्सर ये कहा जाता है कि आध्यात्मिक चेतना की सर्वोत्कृष्ट परिणति तक अगर हम पहुंचना चाहें तो सबसे सुगम मार्ग इसका संगीत के जरिए होकर के निकलता है. तो इसी से रिलेटेड मेरा अगला प्रश्न है कि गुरमत संगीत में मुख्यतया कौन से खास राग, शैली और ताल का प्रयोग होता है. जी प्रियांश जी, वैसे तो देखिए संगीत का सबसे पहला संबंध जो शुरू से ही है वो है परमात्मा के साथ, अध्यात्म के साथ, अपने अंतर मन के, अंतर आत्मा के साथ जुड़ने का इसका मकसद है ना. आपने भी पहली बात ये कही थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा. सो मध्य काल में ये जो भक्ति लहर चली ना, भक्ति का वो जो एक दौर था, क्योंकि जब हमारे सभ्यता पर थोड़े बाहर से आक्रमण होने लगे, विदेशी आने लगे, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के जीवन को हमें मतलब तहस नहस किए जाने की कुछ कोशिशें हुई, तो
तो उसके लिए एक रेनेसांस जो उत्पन्न हुआ उसमें ये सभी भगत आते हैं, रविदास जी और कबीर जी, रहीम जी, इसके अलावा मीराबाई जी हैं, नामदेव जी हैं। तो ये सभी संतों ने कार्य किया और गुरु नानक देव जी ने भी उसके उसी काल में उसके आसपास ही उनका अभी प्रकाश हो रहा है, तो उन्होंने भी इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक जो निराकार प्रभु है उसकी आराधना की, उसकी उपासना की। और जैसे मैंने पहले बताया कि गुरु नानक की वाणी, दूसरे गुरु अंगद देव की, तीसरे गुरु अमरदास, चौथे गुरु रामदास जी, पांचवें गुरु अर्जुन देव जी, इन सभी को जब संकलन किया गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब के रूप में, तो उसमें 31 राग मुख्य हैं जो आज हमें मिलते हैं। लेकिन पांचवें गुरु तक 30 राग थे, 30 रागों में उन्होंने इस वाणी को वर्गीकृत किया। उसके अलावा राग रूप भी हैं, कुछ मुख्य राग रागों के अंतर्गत रागों के प्रकार हैं। तो जैसे पहला राग है श्री राग, जिसको हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में श्री भी कहा जाता है, और श्री मीन्स द फर्स्ट, द फोरमोस्ट, द सुप्रीम। तो गुरु नानक ने भी जो सबसे पहला शब्द है और गुरु ग्रंथ साहब जी की शुरुआत ही जपजी साहब की वाणी के बाद श्री राग से होती है, उसको गुरु ग्रंथ साहब में श्री कहा गया है। सो श्री के बाद राग माज है, गौड़ी है, उसके कई प्रकार हैं। और जो 31वां राग है वो 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने जब इस ग्रंथ साहब में अपने पिता 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी की वाणी को शामिल किया, तो 31वां राग जय जावंती, हम उसको जय जावंती कहते हैं, उसी को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत वाले वो जय जय वंती कहते हैं, सेम स्वरूप है, कोई खास फर्क भी नहीं है। तो इस तरह से 31 मुख्य राग हैं गुरु ग्रंथ साहब में, 31 के अंतर्गत उनके आगे रूप हैं, कईयों के एक है, कईयों के पांच पांच, जैसे कौड़ी के कई प्रकार हैं। सो 31 उपराग हैं, कुल राग बनते हैं 62। अब मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी है, मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं, सब वॉलंटियर्स हैं, वो देख रहे हैं कि गुरमत संगीत की ये जो एक साइंटिफिक अप्रोच अभी शुरू हुई है पिछले 20-25 सालों से ही, इसमें हमारे गुरुजी पूज्य गुरुजी प्रोफेसर तारा सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने ही सबसे पहले एक स्कॉलरली जो और साइंटिफिक अप्रोच के साथ गुरमत संगीत में ये रागों का अध्ययन शुरू किया और उसको एक परिणाम दिया। उन्होंने बहुत सारे रागों का शोध करके किताबें भी लिखी हैं, उन्होंने बहुत तकरीबन सारे गुरु ग्रंथ साहब को कंपोज करके उसकी नोटेशन भी छापी हैं। सो इसमें जो आपने शैलियों के विषय में पूछा है, तो जैसे राग मैंने बता दिया, ताल भी, तालों के बारे में कोई बहुत फिक्स नहीं है। सभी ताल जो भी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में प्रयोग होते हैं उनका प्रयोग हमारे गुरमत संगीत में भी किया जाता है, जैसे कि 3 ताल, 1 ताल, 4 ताल और आड़ा चौताल, कहरवा, दादरा, रूपक, झप ताल इत्यादि। परंतु ज्यादातर जो कॉमन बहुत मशहूर है, जैसे ज्यों ज्यों समय बीत रहा है तो शास्त्रीयता थोड़ी कम हो गई और लाइट अंग प्रधान होने लगा, तो कहरवा दादरा में ज्यादा लोग गा रहे हैं। बट द ट्रेडिशनल वे, द मोर एप्रोप्रिएट वे, उसमें तो जो हमारी पखावज के ताल हैं खुले बोलों वाले, वो उनका प्रयोग भी होता है, जैसे कि चौताल के अलावा सूल ताल का, तीमरा का, ब्रह्म ताल है, शिखर ताल है, इनका प्रयोग लेकिन कम करते हैं। इसके अलावा गुरु ग्रंथ साहब में गुरबाणी में इतनी शैलियों का प्रयोग किया गया है, गुरु साहबान ने बेसिकली हम देखें तो शास्त्रीय शैलियां भी हैं और लोक शैलियां भी हैं। शास्त्रीय में जैसे पड़ताल है, पदे हैं, दुपदे हैं, त्रिपदे ऐसे करके है, और लोक संगीत के रूप भी हैं गुरबाणी में, जैसे कि वारें जो हम जिसको कहते हैं कि जोशीला एक गायन, और अलौणिया, अलौणिया मीन्स जो मृत्यु के उपरांत जो शब्द गाए जाते हैं। सो इसके अलावा बहुत सारी और चीजें हैं, अगर मैं बताने लग जाऊंगा तो समय भी लग जाएगा, लेकिन ज्यादातर जो शब्द गाए जाते हैं और जो सही ढंग है जो गुरु काल से चल रहा है वो है कि राग के अंतर्गत किसी एक ताल में गाना। और पड़ताल के विषय में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, पड़ताल एक ऐसी खास शैली है जिसमें परत ताल से ये शब्द बना है, यानी तालें बदलती जाती हैं। और आज हम अभी बातचीत के बाद शुरू में एक पड़ताल का गायन भी जरूर करेंगे स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उनको उसका प्रैक्टिकल जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो भी पूरा समझ में आ जाए।
उसके बारे में फिर मैं तब बताऊंगा। जी अगला प्रश्न प्लीज। जी बिल्कुल, जितना ये सुंदर संगीत है उतने ही सुंदर तरीके से आपने इसकी विवेचना की। हम लोग आप अभी शब्द के बारे में बात कर रहे थे तो हमारे दर्शकों से ही एक प्रश्न हमारे पास में आया है कि शब्द में रहा ओ का उपयोग किया जाता है जी। तो ये क्या है, कृपया इस पे प्रकाश डालें। हाँ जी, देखिए एक जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ कह लीजिए, जो हमारा जिसको हम गुरु भी मानते हैं और उसी का माथा टेकते हैं, हर गुरुद्वारे में आराधना करते हैं, गुरु ग्रंथ साहब में हर शब्द के ऊपर सिरलेख शीर्षक के रूप में, टाइटल के रूप में राग दिया गया है। इवन अगर कबीर जी हैं तो ऊपर लिखा गया है भैरो कबीर जियो, ये भैरो राग है, भैरो भैरो और कबीर जी का ये शब्द है। तो ऐसे ही शब्दों के अंदर जैसे पदे जब शुरू हो जाते हैं तो उसमें अंक डाले गए हैं, एक दो तीन, और बीच में कहीं आता है रहाओ। शुरू में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, अंत में भी आ सकता है, लेकिन रहाओ असल में क्या है, रहाओ का मतलब है जो रह आओ, ठहराओ, कि जो मेन जो थीम है, जो सेंट्रल आइडिया है उस शब्द का, उसको गुरुजी ने रहाओ में अंकित किया गया है। सो रहाओ से ही जब हम गायन करते हैं ना शब्द का, एक तो है कि वाणी का पाठ करना है, जैसे होता है हर जगह ना, गुरुद्वारे में भी होता है, हम भी करते हैं सुबह शाम भी वो भी, लेकिन जब गायन करना है, कीर्तन करना है, तो अगर पहला पदा है एक दो तीन भी लिखा है वो नहीं गाना, सबसे पहले स्थाई के रूप में रहाओ को गाया जाना चाहिए, बिकॉज दैट इज द मेन थीम, वही तो मुख्य बात है। उसी रहाओ की जो वो दो या तीन या चार लाइन होती है, दो या तीन ही होती है ज्यादातर, उसको फिर जो आगे एक आ रहा है, जहां एक आ रहा है उससे पहले पहला अंतरा समाप्त हो रहा है, जहां दो आ रहा है वहां दूसरा अंतरा समाप्त हो रहा है। सो इस तरह गुरुजी ने इतना फूल प्रूफ, इतना साइंटिफिक, इतना मतलब ग्रामेटिकली और टेक्निकली भी साउंड काम किया, ताकि उसमें कुछ एडिशन या डिलीशन कोई चेंज भी ना हो पाए। और इसी के साथ जुड़ी बात मैं जरूर बताता हूँ कि हर शब्द के अंत में भी जैसे तीन पांच इकतीस ऐसे आ रहा है, तीन का मतलब है कि वो तीसरे अंतरे का समापन हुआ, और हर शब्द के अंत में जो भी गुरु जी ने रचा है उसमें नानक जरूर आता है, चाहे वो पांचवें गुरु हैं, चाहे दूसरे हैं, चाहे नौवें हैं, वो नानक लिख रहे हैं, क्योंकि वही ज्योति चल रही है, गुरु नानक ही चल रहे हैं आगे। शरीर है, जन्म हुआ है तो जाना भी है, लेकिन वही आगे ज्योति चलती जा रही है, वही बात हो रही है। सो अंक में ये जो नंबरिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तीन आ गया तीसरा अंतरा समाप्त हुआ, अगर उसके साथ सात आया तो उसका अर्थ है कि ये इस राग में उन गुरु जी का सातवां शब्द है, और अंत में एक और नंबर आ रहा है जैसे 31 फॉर एग्जाम्पल, उसका मतलब है कि उस राग में टोटल वाणी के प्रवाह में वो 37वां या 35वां शब्द है। तो इस तरह से अंक भी है, रहाओ है, इसके अलावा रहाओ के अलावा कुछ शीर्षक में एक घर भी मिलता है, घर जिसको हम कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे खेद है बताते कि उसके बारे में अभी हमें नहीं इतना मालूम हो रहा वो परंपरा, क्योंकि इतनी पुरानी 450 साल से चल रही है, और हमारे नॉर्थन इंडिया में इतनी ज्यादा चुनौतियां रही, मुगलों से लोहा लेते रहे, अंग्रेजों का शासन रहा, तो हमारे देश का बहुत सारा जो ज्ञान, बहुत सारा संगीत संस्कृति वो पीछे रह गया या हमसे छूट भी गया, लेकिन विद हिज ग्रेस ये जो अब राग में गाने का और सही ढंग से ट्रेडिशनल वे में गाने का जरिया शुरू हो गया है, इट इज अ वेरी बहुत अच्छा खुशी की बात है, और आप सब जैसे सुन रहे हैं हमारे बच्चे। सो इस तरह से रहाओ इज द सेंट्रल आइडिया, द मेन मैसेज ऑफ द शब्द जी। बहुत सुंदर विवेचना। अब मेरा अगला प्रश्न ये है कि आज के युवाओं में जो संगीत साधना से जुड़े हुए हैं उनमें कई बार ऐसा होता है कि धैर्य की कमी हो जाती है, तो धैर्य को कैसे अपना मेंटेन करके और संगीत साधना में वो अपनी परिणति रखें, तो कृपया इसके बारे में कुछ बताने की चेष्टा करें।
जी बहुत अच्छा प्रियांश जी, मुझे लग रहा है आप भी संगीत में जरूर कुछ ना कुछ या गाते हैं या सीखे हैं, जो आप ऐसे सुंदर इतने बढ़िया सवाल कर रहे हैं। जी, प्रभु की कृपा है। मैं ठीक कह रहा हूँ शायद? जी प्रभु की कृपा है, थोड़ा थोड़ा मैं भजन गा लेता हूँ। देखिए कोई भी कला हो, चाहे वो संगीत है, चाहे नृत्य है, चाहे वो कोई इंस्ट्रूमेंट हम बजा रहे हैं, चाहे वो पेंटिंग है, स्कल्पचर है ना, तो गुरु के बिना गति नहीं होती। एक आपको योग्य गुरु, उसकी शरण में जाना ही पड़ता है और उसके बताए मार्ग पे वो जैसे कहते हैं वैसे आपको फिर खुद रियाज या प्रैक्टिस करनी पड़ती है। रियाज का इतना इम्पोर्टेंस है, इतनी इम्पोर्टेंस है। हमारे एक बहुत अच्छे नामी, बहुत हारमोनियम वादक रहे उस्ताद महबूब धौलपुरी जी, तो एक बार मेरा हरिवल्लभ में गायन था, तो 2006 की बात है, उन्होंने मेरे साथ हारमोनियम बजाया था। उन्होंने मुझे बड़े प्यार से कहा, बेटा बहुत अच्छा गा रहे हो, खूब रियाज करो, जितना जो रियाज करेगा वो राज करेगा। अब उन्होंने ये बात कही थी छोटी सी, तब तो मुझे भी लगा कि चलो क्या कह रहे हैं, लेकिन वाकई रियाज करेंगे वो हमें, मतलब परफेक्शन जो है वो तभी आ सकती है, बार बार करते 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 कर करके, है ना। तो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सो इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा और इम्प्रूव करना चाहता हूँ। कई बार रॉन्ग प्रैक्टिस जो होती है वो परफेक्शन से उल्टा भी आपको ले जाती है। सो राइट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट प्रैक्टिस, सही प्रैक्टिस, सही ढंग से। सो ये राइट और रॉन्ग का जो डिफरेंस है वो हमें कौन बताता है? गुरु, टीचर, हमारा जो टीचर हो। सो गुरु की शरण में रह के गायन या जो भी आप संगीत की हमने बात की है, आपने भी की है, तो संगीत सीखें, रोज रियाज करें, बैठे मनन करें, केवल गला घसाई नहीं करनी, उसके बारे में चिंतन करें, सोचें, अच्छे लोगों को, अच्छे महा जो महा गुरु हैं जो गा रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, उनको सुने, उनकी संगत करें। उस पिकमेके में यही सब चलता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब भी कोई कन्वेंशन होती है। ये तो अभी मजबूरी है कि हम इस तरह से थोड़ा लॉकडाउन के कारण, कोविड के कारण ऐसे ऑनलाइन जुड़े हैं, लेकिन जब सुबह सुबह नाद योग में हम 4 से 7 टाइम लगाते हैं, उसके बाद और 3 घंटे 9 से 12, वो 6 घंटे का जो अनुभूति होती है ना, वाकई वो लाजवाब होती है। और मुझे लगता है कि ये प्रैक्टिस करना, रियाज करना और धैर्य रखना, पेशेंस रखना, यही है जो हमें और सबको आगे बढ़ा सकता है। ईश्वर की कृपा, गुरु की कृपा और सबकी दुआएं, वो साथ में एडेड जो है वो फैक्टर का काम करती है। और घर का माहौल भी वैसा होना चाहिए, बहन भाई वो भी रखें आपके साथ सपोर्ट, लेकिन अगर आप जुड़ जाते हो, आप धैर्य के साथ अपने मन में श्रद्धा भावना के साथ एक समर्पण के साथ प्रैक्टिस करते हो, तो आपको कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। और इंस्टेंट सक्सेस तो इसमें है ही नहीं, ये तो याद रखें, लगे रहिए करते रहिए, समय आ जाएगा, पता भी नहीं लगेगा कब कृपा होने लगी है। सो प्रैक्टिस करना और पेशेंस के साथ लगे रहना, यही मंत्र है, मूल मंत्र। बहुत 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 धन्यवाद मेरी जैसी युवा पीढ़ी के मार्गदर्शन के लिए। तो बहुत ही सार गर्भित तरीके से आपने गुरमत संगीत के हर पहलू को टच किया। तो वैसे तो कहा गया है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, जहां तक संगीत और अध्यात्म को सुना जाए पढ़ा जाए कम है। तो अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप गुरमत संगीत की स्वर लहरियों में गोते लगवा करके हम सभी को कृतार्थ करें। जी जरूर, जैसा मैंने पहले निवेदन किया, हम अभी हमारे पास मेरे ख्याल 20 मिनट का समय होगा, 20-22 जितना भी आप कहें है लगभग। जी जी सर, तो सबसे पहले हम जो पड़ताल के विषय में बात की मैंने पहले, पड़ताल से शुरुआत करेंगे। गुरमत संगीत में चौथे गुरुजी श्री गुरु रामदास जी ने पड़ताल गायन शैली की शुरुआत की।
उन्होंने 19 पड़तालें रची हैं अलग अलग रागों में, और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पांचवें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी ने और 36 पड़तालें रची, तो देर आर 55 कॉम्पोजिशंस ऑफ पड़ताल इन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। तो आज जो हम पड़ताल गाएंगे वो राग कानड़ा में चौथे गुरु जी श्री गुरु रामदास जी ने उच्चारित की है। इसके ऊपर देखिए शीर्षक है कानड़ा महल्ला चौथा पड़ताल कर पंजवा। सो कानड़ा राग महल्ला चौथा के चौथे गुरु जी, और उसके बाद है पड़ताल। पड़ताल के ये जो शैली है ये पड़ताल है, ठीक है। कर पंजवा, इसके विषय में जैसे मैंने पहले कहा कि ये शायद ताल की ओर संकेत दे रहे हैं, जो भी है। सो पड़ताल शीर्षक ऊपर आ रहा है, जो इसके अंतर्गत कई बार ये भी होता है पड़ताल नहीं भी लिखा, लेकिन ऊपर जब एक शब्द में आ गया नीचे भी पड़ताल चलते रहते हैं। सो राग कानड़ा का जो स्वरूप हमने ये इसमें लिया है वो दरबारी कानड़ा ही है, जो कि हिंदुस्तानी संगीत में भी गाते हैं। गाधानी कोमल, बाकी स्वर शुद्ध, और पड़ताल में तालें बदलती जाएंगी। ताल बदलेगी, पहले तीन ताल में स्थाई है, उसके बाद जो पहला अंतरा आएगा वो चेंज हो जाएगा। पहले अंतरे में एक ताल आएगी और दीपचंदी ताल आएगी। एक ताल में 12 मात्राएं हैं, दीपचंदी में 14 हैं। फिर स्थाई में आएंगे, तीन ताल 16 मात्राएं शुरू हो जाएगा। सो इस तरह से सिलसिला चलेगा। सेकंड अंतरा आड़ा, पहले चार ताल चौताल, उसके बाद आड़ा चौताल। ये दोनों इसके चार ताल के 12 मात्राएं होती हैं, और श्री नरेंद्र पाल जी मेरे साथ संगत कर रहे हैं, ये तबले के बड़े अच्छे माहिर हैं, पटियाला में रहते हैं और माता गुजरी कॉलेज श्री फतेहगढ़ साहिब में ये कार्यरत हैं। पंजाब घराने के डॉक्टर जगमोहन शर्मा जी के प्रिय शिष्य हैं। शुरू में हम पड़ताल के शुरू में एक मंगलाचरण के रूप में, या जिसको हम दंडौत भी कहते हैं, एक पद का गायन करेंगे। दंडौत बंदन अनेक बार सरब कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु नानक देकर हथ। के हे सरब कला समरथ, सभी कलाओं की क्षमता रखने वाले प्रभु, दंडौत बंदन अनेक बार, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ अनेक बार, यानी कई बार, एक बार नहीं बार बार। सरब कला समरथ संबोधन हो गया कि मुझ पे आप कृपा करो, डोलन ते राखो प्रभु, कि हे प्रभु हे ईश्वर, मुझे आप जीवन में कभी भटकने से डोलने से बचाइए, अपना वरद हस्त नानक देकर हथ, के आपका आशीर्वाद, आपका जो ये कृपा है मुझ पर बने रहे। और ये जो पड़ताल है इसकी स्थाई जो रहाव वाली तुक है, जैसे आपने सवाल भी पूछा था बीच में प्रियांश ने, तो मैं सभी सुनने वालों को थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ, कई बार लैंग्वेज प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि ये गुरुवाणी है, पंजाबी में लिखी हुई है, गुरुमुखी में लिखी हुई है, हालांकि बहुत मिलती है। आपको लगेगा कि जैसे ब्रज भाषा है उससे इतना इसका काफी मिलता जुलता है। मन जापो राम गोपाल, गुरु जी क्या कह रहे हैं, मन को संबोधन करके, मेरे मन तुम जापो राम गोपाल। राम का गोपाल का ईश्वर का जाप करो, हर रतन जवेहर लाल। ये जो हरि का नाम है ना, यही है रतन, यही है जवाहरात, यही है लाल। दिस इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग, हर गुरुमुख कड़ टकसाल, हर हो कृपा, कि हरि की कृपा ईश्वर की कृपा इससे ही होगी, मन जापो राम गोपाल। सो राग कानड़ा में इसका अभी हम गायन करने जा रहे हैं पड़ताल।
अभी थोड़ा लॉकडाउन कार्य के कारण हम और साजी के साथ में साथी नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि घर से ही प्रस्तुति दे रहे हैं। अदरवाइज गुरमत संगीत में जो तंत्र वाद्य है, जिसको तल्की साज भी कहते हैं, उनका बहुत प्रयोग होता है। जैसे कि रबाब, भाई मर्दाना जी रबाब बजाते थे गुरु नानक के साथ। उसके अलावा सरंदा, सरंगी से मिलता जुलता साज है, पाउस, मयूरी वीणा भी जिसको हम कह सकते हैं मोर की शेप का, और दिल रुबा। मेरे साथ ही श्री संदीप सिंह जी, वो जलंधर में है और मैं यहाँ पटियाला हूँ। आज हमें इकट्ठे हो नहीं पाए, कोशिश भी की थी, अक्सर वो हमारे साथ संगत करते हैं और गायन भी करते हैं, लेकिन ईश्वर का नाम लेना है, अकेले भी लेंगे तो वो भी काम करेगा। अब हम मिलकर पड़ताल का गायन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा, इलेक्ट्रॉनिक स्वरमंडल है, तबला और हारमोनियम इसके साथ। नानक
दौलत दे कर दौलत दे अगम जिसको पाया नहीं जा सकता, मतलब जिसका कोई पार उतारा नहीं, जाना नहीं जा सकता, अगोचर जो दिखाई नहीं देता, एक जीभ क्या कहे बेचारी, मैं अपनी एक जीभा के साथ आपकी क्या बात करूं, आप इतने महान हो कि मेरी एक जीभा काफी नहीं है आपका जाप करने के लिए, आपका गुणगान गुणगान करने के लिए। Thank you.
Thank you.
की खराबी के कारण हम लोग गुरुजी से संपर्क वापस साधने की कोशिश कर रहे हैं। कृपया आप लोग सभी धैर्य बना करके रखें। हम फिर से गुरुजी से वापस कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे गुरमत संगीत की। ये बेसिकली शब्द कीर्तन की बातें हैं। कई सारे म्यूजिक आप देखते हैं, जैसे इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग इसमें प्रयोग करते हैं हम लोग। कौन कौन से? जैसे रबाब, दिलरुबा, सारंगी, इसराज, जोरी, ये अलग अलग इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग होता है। तो बेसिकली अगर बात करें हम लोग गुरमत संगीत की, तो ये सारे के सारे जो वाद्य यंत्र हैं, इसको अलग ही रंग प्रदान करते हैं। राग ताल के साथ के बारे में बात अगर हम लोग करें, तो गुरुद्वारा साहिब में तो ये गाई जाती है राग ताल में बहुत सुंदर तरीके से। गुरुजी हमसे ज्वाइन हो चुके हैं, हम फिर से दरअसल बीच में वो कुछ म्यूट आवाज आ रही है। जी 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 बिल्कुल गुरुजी, आवाज आ रही है। हाँ हाँ जी जी बिल्कुल, वो एंड में शायद कुछ कनेक्शन का हो गया। हाँ हाँ जी बिल्कुल। तो इसको कंटिन्यू करके एक चीज और गा दें, बताइए है 10-12 मिनट जी। संक्षिप्त, क्योंकि हम लोग टाइम से थोड़ा सा लेट चल रहे हैं, तो आप ऐसा करते हैं पांच मिनट में जी जी एक शब्द गा के समापन करें। जी ऐसा कर लें। बिल्कुल बिल्कुल जी। आप कुछ पूछना चाहते हैं या मैं शुरू कर दूं? जी बिल्कुल शुरू कीजिए सर। जी अभी जो हमारे प्यारे विद्यार्थियों ने, स्टूडेंट्स ने, छोटे बड़े स्टूडेंट्स होते हैं मुझे मालूम है सीखने के में, तो सबने क्या सुना? पड़ताल। पड़ताल इन राग कन्नड़ा, और इसमें ताल बदल रही थी, साइकल्स वो नजर पे आ रहा होगा, महसूस हो रहा होगा सबको। जो दूसरा शब्द अभी हम गाने जा रहे हैं, ये पड़ताल नहीं है, ये सिंपल शब्द है जिसमें एक ही ताल बजेगी। राग आसा में इसका गायन कर रहे हैं, आसा जो कि शुद्ध स्वरों का राग है, और इसमें 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का बहुत सुंदर मैसेज, बहुत बढ़िया शब्द है, मानस की जात सब एक पहचान हो। डॉक्टर किरण सेठ जी जो रूह रवां हैं, फाउंडर हैं स्टिक मैके के, उनको ये बहुत पसंद है शब्द, तो मुझे, मैं उनको नमन करता हुआ, उनको याद करता हुआ, वो सुन रहे होंगे जरूर मुझे मालूम है, तो इस शब्द का हम गायन कर रहे हैं। और इसके शुरू में आज क्योंकि
कबीर जयंती का भी दिन है। सो कबीर जी ने, जैसे मैंने पहले निवेदन किया, गुरुवाणी में बहुत योगदान दिया है, उनकी भी वाणी है। उनका कथन है, अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। सो इसका गायन करेंगे शुरू में, अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंद। के अवल सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह ईश्वर भगवान कुछ उसको कह लीजिए, नूर उपाया सबसे पहले भगवान कुदरत के सब बंदे, उसी ईश्वर उसी कुदरत ने सबको बनाया, सब ने सबको उसी ने पैदा किया, हम सब उसी की औलाद हैं, उसी के बच्चे हैं। एक नूर पे सब जग उपजिया, अगर एक ही ईश्वर ने एक ही शक्ति ने सबको बनाया है, सब बने हैं उसी से, कौन भले को मंदे, तो कौन अच्छा है कौन बुरा है, सारे अच्छे हैं सारे बराबर हैं। और इससे शुरुआत करके साथ ही मानस की जात सब है एक है पहचान को इसका गायन करेंगे। Treat all the human kind as one, Hindu Turak Kaurafzi Imam Shafi, मानस की जात सब है एक है पहचान को। श्री गुरु गोविंद सिंह जी दसम पिता कह रहे हैं, मानस की चाह सब एक है पहचान है, इसको हम दीप चंदिता 14 मात्राओं में इसका गायन कर रहे हैं। मानस की जात सब एक पहचान वो, मानस की जात सब एक पहचान वो, एक पहचान वो, एक पहचान वो, एक पहचान वो, एक इमाम शाफी, मानस की जात सब एक पहचान वो, मानस की जात सब एक पहचान वो,
मानस की जात
आज के लिए इतना ही काफी है। उम्मीद है हमारे सभी यंगस्टर्स, सभी पार्टिसिपेंट्स, उन्होंने वाणी का कसा स्वादन तो किया ही होगा गुरुवाणी का, और इसका जो गहरा भाव है उसको भी जरूर समझेंगे। ऐसे ही कृपा बने रहे, हम अपनी इस विरासत के साथ जुड़े रहें, ऐसी शुभकामनाएं। डॉक्टर अलंकार सिंह जी, आपने इतने सहज तरीके से हमारे सभी दर्शकों को गुरमत संगीत व शब्द कीर्तन से अवगत कराया। हम स्पिकमे के फाउंडर डॉक्टर किरण सेठ और पूरी टीम की तरफ से आपका आभार व्यक्त करते हैं। अपने अपने संगीत से हम सबको, आप सबका, किरण जी का, स्पिकमे का, एक एक वॉलंटियर, छोटे से छोटा से भाई और बड़े से बड़ा, सबको नमन जो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। जी जी, धन्यवाद। आप ऐसे विद्वान हैं जो हिंदुस्तानी ख्याल गायकी और गुरमत संगीत को इतनी शिद्दत से निभा भी रहे हैं। आप स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, ऐसी हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू प्रियांश। बैक टू स्टूडियोस। नमस्कार, हम जल्द ही वारसी ब्रदर के साथ आ रहे हैं स्पीक में के अनुभव में। कवाली के लिए अपने ब्राउजर को रिफ्रेश कीजिए, हम जल्द ही वापस आ रहे हैं कवाली लेके वारसी ब्रदर्स के साथ। धन्यवाद।